दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा योनो एसबीआई ऐप्स में एम पिन को कैसे चेंज किया जाता है। अगर आप भी एम पिन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं एम पिन को कैसे चेंज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो पहुँच जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा जरूर और शेयर भी कीजिएगा जरूर अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एम पिन को चेंज करने के लिए आप योनो एसबीआई ऐप्स को ओपन कर लीजिए, और ओपन करने के बाद चाहे आप एम पिन से लॉगिन कर दीजिए, उसके बाद यूज़र आईडी जो आपका है, यूज़र नेम और पासवर्ड, उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों यूज़र नेम और अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के यूज़र नेम और पासवर्ड का भी पता लगा सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम एम पिन से ही लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपना यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एम पिन जो है आपका जो है जो एम पिन का पासवर्ड आप बनाए हैं तो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में 3 लाइन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एम पिन को चेंज करने के लिए। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आएगा सबसे नीचे में जो है, यहाँ पे है देखिए सर्विस रिक्वेस्ट का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा फिर से। तो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज एम पिन, उसके बाद रिमूव एम पिन, तो आपको डिलीट नहीं करना है एम पिन को, चेंज करना है। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों चेंज एम पिन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही चेंज एम पिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड मांग रहा है। तो दोस्तों ये भी आप भूल चुके हैं तो नीचे आपको जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से वीडियो देख के आप जो है इसका पता लगा सकते हैं किस तरीके का होता है इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड। तो चलिए हम अपना यहाँ पर दे देते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड देने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक पेज खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेट ए न्यू एम पिन फॉर यू चूज फॉर योर अकाउंट। तो यह दोस्तों यहाँ पे आप अपने अनुसार जो है कोई भी पिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इंटर करेंट पिन यानी कि एम पिन, तो जो पहले आप जो है अभी लॉगिन करके आए हैं योनो एसबीआई ऐप्स में, वही आपको पहले यहाँ पे पिन देना है। तो चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं ये देने के बाद। दोस्तों यहाँ पे आपको सेट करना है, आपको जो कोई भी यहाँ पे 6 अंक सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे अपना कर लेते हैं सेट। उसके बाद यहाँ पे जो आप यहाँ पे दिए हैं सेट न्यू एम पिन पे, वही आपको री एंटर न्यू एम पिन पे देना है। तो चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं। तो दोस्तों ये देने के बाद आपको जो है कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो है चेंज एम पिन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन जो है आपका जो यू हैव सक्सेसफुल अपडेट एम पिन जो है आपका दोस्तों चेंज हो गया है। दोस्तों इसी तरीके से जो है आप भी एम पिन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई सवाल या सुझाव है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।